Hey कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सी इंटरमीडिएट मे ट्वेंटी थ्री और आज इसका फोर्टी फोर्थ सेशन है जीएसटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कुछ दिन पहले से और आज हम एक अलग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज एग्जेम्पन्स फ्रॉम जीएसटी एग्जेपन्स फ्रॉम जीएसटी ठीक है तो अभी हम लोग यहाँ पर उन चीजों के बारे में बात करेंगे जैसे हम लोगों ने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज के बारे में बात की थी तो हम लोगों ने एग्जेम्प्ट सप्लाईज के बारे में बात की थी राइट right? और मैंने आपको तब बताया था कि एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड एक पूरा नोटिफिकेशन दिया है सरकार ने किन ये ये होगा चलता है वो सारी चीजें अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं आप यहाँ पर मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं ये हमारा शेड्यूल है रोज रात को नौ बजे <coughs> मे ट्वेंटी के लिए अन्य फास्ट ट्रैक से ये के, ये की बोला मैंने अकेडमी फास्ट ट्रैक या फास्ट ट्रैक टैक्सेशन की क्लासेस चलती रहती हैं पर नवंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए अन अकेडमी प्लस पर एकाग्रता बैच में क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं दोपहर को बारह बजे लाइव आता हूं मंडे टू सैटरडे मे ट्वेंटी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था इसमें मैंने बताया था कि कैसे पढ़ना चाहिए कैसे रिवाइज करना चाहिए सिंगल uh, ग्रुप के लिए अपेयर करना चाहिए या बोथ ग्रुप्स के लिए अपेयर करना चाहिए इवन इफ यू या फिल्ड द फॉर्म आप स्टिल इस सेशन को देख सकते हो आपको एटलीस्ट रिविजन करने का तरीका पता चलेगा तो आपके लिए काफी इंसाइटफुल और काफी हेल्पफुल ये सेशन रहेगा इस सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्स में अभी तक शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी सेशन हुए उन सब की प्लेलिस्ट उन प्रॉपर प्रॉपर बनी हुई है एक एक जिसमें शुरुआत से अभी तक के सभी से आपको मिल जाएंगे इन प्रॉपर सीक्वेंस स्ट्रक्चर मैनर तो उस प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो भी मैं यहां पर नोट्स यूज कर रहा हूं वो नोट्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएंगे राइट फिर वहां से आप शेड्यूल भी देख सकते हो जो नोट्स वाला लिंक है वहां पर आपको एक स्प्रेडशीट भी दिखाई देगी शेड्यूल की तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा आगे के, आगे के का का चैप्टर्स सीक्वेंस क्या रहने वाला है किस तरह से हम लोग करने वाले हैं वगैरह वगैरह चलिए सर लेट्स गेट स्टार्टेड विद विदेश तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ देखो बड़ा सिंपल सा है ये वाला चैप्टर एक्चुअली ये वाला चैप्टर बहुत सिंपल है अगर आप इसको पढ़ने की सही अप्रोच पकड़ो तो राइट लोग क्या करते हैं इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करते करने लगते हैं इसको। में अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा इसमें ऐसा हुआ तो क्या होगा तो इसके लिए मेमोरी टेक्निक्स बनाने लगते हैं इसके लिए निमोनिक्स बनाने लगते हैं और फिर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला निमोनिक कौन सी वाली सर्विस के लिए था ये वाला निमोनिक कौन सी वाली चीज के लिए था वगैरह वगैरह ठीक है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मैक्सिमम चैप्टर एक बार जब हम लोग पढ़ लेंगे ना मैक्सिमम चैप्टर आपका से हो जाएगा एक तम। एक तम फील से क्लियर हो जाएगा आई गारंटी यू एग्जाम में इस चैप्टर के हार्डली फोर टू फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जब ये चार से पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा मेरी गारंटी है आप सेवेंटी परसेंट से ज्यादा उस क्वेश्चन में स्कोर कर लोगे बहुत आराम से ठीक है बिना इसमें ज्यादा दिमाग लगाए तो ये कैसा चैप्टर है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके अंदर बहुत एक डर सा पैदा हो कि अरे यार ये तो इतना सारा है, इसको याद कैसे रखेंगे याद कैसे होगा वगैरह वगैरह बट ट्रस्ट मी सब कुछ याद हो जाएगा कैसे हो जाएगा वो आप भी देख के अमेज हो गए ठीक है और हम लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार हर क्वेश्चन में आराम सेवेंटी टू एट्टी आप ला रहे हो यहां पर राइट तो फोर टू फाइव मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं 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 इसके बड़े बड़े चार्ट्स बनाऊंगा ऐसा करूंगा मैं इसमें इस तरह से कर लूंगा तो मेरे को याद हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता अभी हम लोग देखेंगे हमें स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पर इस वाले चैप्टर में हमें स्मार्ट वर्क करना है ठीक है स्मार्ट वर्क में यही है कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे चार सेशन शेड्यूलिएशन है आपको मैं बताता रहूंगा एक अलग लेवल की तरह से मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं राइट right? जैसे आपको और मतलब मुश्किल है कि कहीं और भी आपको मिले क्योंकि पूरे नोट्स फ्रेश मैंने खुद से बनाए हुए और कैसे बनाए हुए वो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे ठीक है एग्जेमशन में बेसिकली होता क्या है कि सरकार एक तरह से बाकी सारी चीजें तो आप लोग देख लेना सरकार एक तरह से ये कर देती है कि इन इन चीजों पर एग्जेपन है इन इन चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है तो ये ऊपर ऊपर वाली जितनी भी चीजें वो सब आ, आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा यहां पर इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है वो है नोटिफिकेशन नंबर ट्वेल्व बाई टू ठीक है

याद करने में क्या बहुत ज्यादा टेंशन लेनी है कोई जरूरत नहीं है जरा सी भी टेंशन लेने की तो सर याद कैसे होगा क्वेश्चंस के थ्रू सर क्वेश्चंस आप कराओगे कई सारे मैं कराऊंगा कई सारे आप लोगों के नोट्स में जो दिए हुए हैं वो आप लोग अपने आप से कर सकते हैं ठीक है लेकिन एक चीज मेरे साथ साथ करते रहना आप लोग कि जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आप अपने आप को स्कोर देते रहोगे चलो मैं बताता हूं आपको ठीक है अब इसके नोट्स मैंने किस तरह से बनाए हैं इसके नोट्स मैंने इस तरह से बनाए हुए हैं कि एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसा आता है पूरे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है में एक आता है। आपको एक क्वेश्चन आएगा ठीक है? अब उसके अंदर बहुत सारी एग्जाम सर्विसेज भी होंगी राइट तो अब उनमें से आपको देखना होगा कि कौन सी सर्विस टैक्सेबल है कौन सी सर्विस एग्जाम है कौन सी है कौन सी एग्जाम है तो जिस तरह से एग्जाम में आता है ना उसी तरह से मैंने हर सर्विस की टेबल बना के रखी हुई है

घुमा फिरा के टेढ़ी मेढ़ी बातें कोई नहीं की हुई है एकदम सीधी स्ट्रेट कट, तो कट बात की हुई है इस चैप्टर में भर भर के अगर आप लोग इधर देखते हो ये।, ये है चैप्टर एग्जामशन फ्रॉम जीएससी ठीक है तो पेज सत्रह से इसके अमेंडमेंट्स शुरू हो रहे हैं तो सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये चल रहे हैं भर भर कर अमेंडमेंट्स हैं इस वाले चैप्टर में

कहीं इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है मे ट्वेंटी थ्री का टैक्सेशन तो क्लियर मैं करवा के ही मानूंगा अगर आप लोगों ने सिर्फ उतना कर लिया जितना मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं तो गारंटी मेरी है मे ट्वेंटी थ्री आपका टैक्सेशन पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा ठीक है और इसमें वही वाली चीज है जैसे स्ट्रेटेजी सेशन में मैंने बताया जैसे रिविजन शेड्यूल फॉलो करना है तो वो रिविजन शेड्यूल आपको फॉलो करना है नॉट टूडेज ट्वेंटी एट ऑफ फेबर अगर आपने अभी तक इसको रिविजन शेड्यूल को फॉलो नहीं करना शुरू किया इट्स ओके आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो ठीक है आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट ऑफ मार्च से तो मार्च अप्रैल आपके पास दो महीने आप अभी भी कर सकते हो और आप सिक्सटी अब ला सकते हो टैक्सेशन में ठीक है बस आपको इतना सा करना है कि जितना जितना मैं आपको बता रहा हूं आपको सिर्फ उतना उतना करना है जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको सिर्फ उतने क्वेश्चंस करने हैं आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है ट्रस्ट मी ऑन दिस ठीक है जितना मैं बता रहा हूं कि इसमें इतना घुसने की जरूरत है आप उतना घुसो जितना मैं कह रहा हूं इसमें उतना घुसने की जरूरत नहीं है आप उतना मत घुसो ठीक है अननेसेरीली परेशान अगर हो तो फिर एग्जाम में भी वो परेशानी बरकरार रहेगी राइट right? तो फ्रॉम जीएसटी वाला जो चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन पढ़ते समय थोड़ा सा डरावना लगता है कि ऐसा लगता है कि यार ये सब याद कैसे रहेगा बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस फील से हो जाएंगे कुछ क्वेश्चंस आपको याद रहने की वजह से हो जाएंगे बहुत आराम से इस वाले चैप्टर में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो तो बिल्कुल ज्यादा परेशान नहीं होंगे चार क्लासेस शेड्यूल है पहली क्लास अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक्समेशन नो, नोटिफिकेशन है बाई उसमें सरकार ने बहुत सारी मेंशन की हुई है। लेकिन उनमें बहुत सारी सर्विसंस भी है देखते हैं सबसे पहली वाली सर्विस जो है वो है चैरिटेबल एक्टिविटी ठीक है कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है राइट अब देखो इसमें क्या है चैरिटेबल एक्टिविटीज में सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स राइट right? अब सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में ये चार एंट्रीज हैं ठीक है थीके? अलग अलग एंट्रीज हैं बहुत सारी एंट्रीज हैं आपको एंट्री नंबर वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है थीके? तो देखो सबसे पहले सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी तो चैरिटेबल एंटिटी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगी वो एक्सेंट रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग अगर प्रोवाइड किया तो एक्सेंट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्जेप्ट ओल्ड एज होम एक्सेंट अब एक एक करके इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे टू दी एक्सटेंट विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री उसके अलावा नहीं वर्ड्स के मतलब बताने की जरूरत नहीं होगी उन वर्ड्स के मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगा ठीक है जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है सिर्फ उतना ही बताऊंगा दी ओनली प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस इन दिस चैप्टर एंड आई आल्सो फेस इन दिस चैप्टर इज हम अननेसेसरीली इसमें घुसते रहते हैं घुसते रहते हैं घुसते ही रहते हैं और उसके बाद एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन वहां तक हम पहुंचते पहुंचते इतना थक चुके होते हैं कि हम इस चैप्टर को अल्टीमेटली छोड़ देते हैं और फिर हमें जीएसटी खराब लगने में

चार क्लासेस यहां पर भरोसा दिखाओगे और अगर आपने ऐसा भरोसा दिखा दिया तो आपका मे ट्वेंटी का टैक्सेशन क्लियर ना हो ऐसा हो नहीं सकता गारंटी मेरी है ठीक है लेकिन वैसे वैसे करना है जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ठीक सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ बस क्लास देखिए नहीं तो प्रैक्टिस भी करनी है वैसे ठीक आओ सबसे पहला सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12W और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज आर एग्जम्प्ट तो जो भी कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है उसको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A या 12AA, 12 uh, 12AB में रजिस्ट्रेशन लेना होता है ये 12A और 12AB क्या होते हैं आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्सेशन में ठीक है अभी के लिए बस इतना समझो अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो उसको इनकम टैक्स के सेक्शन ट्वेल्व डबल ए या ट्वेल्व ए बी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसकी कंडीशन होंगी और उसके बेसिस पर कहा जाएगा कि हाँ दिस इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और इसको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा ठीक अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने तो रजिस्ट्रेशन अपने आप को करा लिया वो कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रोवाइड करेगा जिसको वाकई में माना जाएगा कि हाँ ये चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं और उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा Right. So all, the term charitable activities mean activities relating to public health by way of care or counseling of terminally ill persons or persons with severe physical or mental disability, persons afflicted with HIV or AIDS, persons addicted to a dependence forming substance such as narcotics, drugs, or alcohol, public awareness of preventive health, family planning, prevention of HIV infection. एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अब ऑफेंड होमलेस चिल्ड्रन फिजिकली और मेंटली एंड प्रिजनर्स और ओवर द एज ऑफ इन रूरल एरिया या प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड फॉरस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अब ये सुनने में बड़ा खतरनाक लग रहा है बहुत ही खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से काफी सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुकी हैं और आपको पता भी नहीं है ठीक है यही ब्यूटी है इस चैप्टर की और ये मेरे को बहुत टाइम लग गया ये रियलाइज होने में कि अगर आप सिर्फ एक ऊपर ऊपर से भी पढ़ लोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर आप जब इसके क्वेश्चन करते हो तो बहुत आराम से हो जाते हैं तो बेसिकली चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब होता है चार चीजें पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और प्रेजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट ठीक है तो एक तो पब्लिक हेल्थ दूसरा एनवायरमेंट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रेजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट ठीक है ये चार चीजें आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है पब्लिक हेल्थ के अंदर तीन चीजें आती हैं सॉरी दो चीजें आती हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर दो चीजें आती हैं या तो आप केयर या काउंसलिंग कर रहे हो या तो आप पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हो पब्लिक अवेयरनेस किस लिए फैला रहे हो आप प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए एच आई वी इंफेक्शन वगैरह के लिए आप पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हो केयर या काउंसलिंग आप किसकी कर रहे हो टर्मिनली इल पर्सन की मतलब जो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं कैंसर वगैरह टाइप के या जिनको सिवियर फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है जिनको एड्स है या फिर जो हैं, जो ड्रग्स अल्कोहल के योगा का एडवांसमेंट कर रहे हो तो ये आपके लिए चैरिटेबल एक्टिविटी है अगर आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटिंग टू अबैंड ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन अनाथ बच्चे फिजिकली और मेंटली अब या ट्रोमेटाइज पर्सन उनके लिए कर रहे हो के लिए कर रहे हो या 65 फाइव ईयर्स से ऊपर के सिटीजन के लिए कर रहे हो जो कि गांव वगैरह में रहते हैं तो फिर इसमें भी आपका क्या हो जाता है इसको भी चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाती है और अगर आप एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर रहे हो इंक्लूडिंग वाटरशेड फॉरेस्ट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो इसको भी चैरिटेबल uh, एक्टिविटी मानी जाती है बस चाहे याद हुआ हो चाहे याद ना हुआ हो और इसमें बिल्कुल भी घुसने की जरूरत नहीं है सर इसका चार्ट बना ले कोई जरूरत नहीं है चार्ट बनाने की सर आप चार्ट बना कर दे दो कोई जरूरत नहीं है चार्ट बनाने की सर हम अपने आप से इसका चार्ट बना ले कोई जरूरत नहीं है चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है बनाने। चार्ट बनाने की इस चैप्टर को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है थ्रू क्वेश्चन लेकिन क्योंकि यहां पर मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि अगर आपने पहले कभी नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए इसीलिए हम इस तरह से कर रहे हैं अदरवाइज आई वु स्ट्रेट अवे जम्प ऑन आउट क्वेश्चन का ठीक है दो सर्विस प्रोवाइड बाई चेरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट रिजिस्टर्डर सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच विदिन दी अब डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज आर एलिजिबल फॉर एक्जेपन फ्रॉम जीएसटी

एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी टैक्सेबल अगर आपने कुछ और चीज जनरल पब्लिक यूटिलिटी की भी एडवांस की तो वो भी आपका टैक्सेबल हो जाता है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा मेडिटेशन कैंप एक्सेंट यह भी हम लोगों ने देखा सॉरी <coughs> ये देखा ना तो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा एक्सेंट रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और कैम्प विदी चार्ज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग विद प्राइमरी एंड प्री डॉमिनें

ठीक है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया सपोज आपका मंदिर है मंदिर के बगल में आपने एक पीजी ले रखा है ठीक है एक मकान ले रखा है उस मकान में लोग आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं रहते हैं और उन मकान से आप जो जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे आप किराया लेते हो लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हम तो मंदिर चला रहे हैं और हम किराया नहीं ले रहे ये तो अपने मर्जी से वो लोग डोनेट करके जा रहे हैं नहीं ठीक है तो आप उनको रहने का सामान दे रहे हो और वो जनरली रह रहे हैं वो मंदिर की वजह से थोड़ी वहां पर आके रह रहे हैं वो तो इसलिए वहां पर आके रह रहे हैं क्योंकि अगल बगल में उनकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है ठीक है तो आप मंदिर भी चला रहे हो और आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका मंदिर से कनेक्टेड है किसी भी तरह से भले ही आप उसका जो भी रेंट आप ले रहे हो उसको आप डोनेशन बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो तो ये टैक्सेबल होगा एक्टिविटीज ऑफ होल्डिंग फिटनेस कैंप्स और क्लासेस सच दोन एरोबिक्स डांस एंड म्यूजिक एसेट्रा ये आपकी टैक्सेबल होगी इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैं तो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा हूँ लोगों को ठीक करने में मदद कर रहा हूँ

एजुकेशन भी तो चैरिटेबल होनी चाहिए राइट लेकिन एजुकेशन पर अच्छा खासा जीएसटी लग रहा है आपने अन अकेडमी को पढ़ाई के लिए पैसे दिए पढ़ाई चैरिटेबल है लेकिन आपने एनअकेडमी को जीएसटी दिया ठीक है आपने एनअकेडमी को जीएसटी दिया तो ये क्यों दिया अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक करके हम लोग यहां पर पढ़ते रहेंगे तो आगे चलते चलते आपकी जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होते रहेंगे ठीक है तो अगर मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो टैक्सेबल होगी म और प्लेंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोर एन दफ चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन रिसविंग डोनेशन फ्रॉम गिफ्ट ऑफ इंडिविजल डोनर इफ द से इज नॉट एम एट गिविंग पब्लिस टू द डोर इन सच मैन be वुड बी ऑफ promotion और his ऑफ so इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में बात की थी कंसिडरेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी हमने बात की थी कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन मिल रहा है ट्रस्ट को अगर डोनेशन मिल रहा है और वो डोनेशन का, डोनर का सिर्फ नाम लिखा हुआ है इन लविंग मेमरी या तो फिर क्या इस पर जीएसटी लगेगा नहीं ठीक है लेकिन अगर मैंने ऐसे ही जाकर किसी अनाथालय में बहुत सारा डोनेशन दिया और सभी बच्चों को मैंने टी शर्ट्स दे दी उन सब टी शर्ट पर लिखा यूज टेन परसेंट डिस्काउंट एडवर्टीजमेंट हो गया एडवर्टीजमेंट हो गया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा ठीक

ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन एरियाज अदर दैन आर्ट्स और कल्चर तो ये तो ऑब्वियसली टैक्सेबल हो जाएगी आर्ट्स और कल्चर के अलावा सर्विस ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाई चैरिटेबल एंटिटीज है सर्विस अदर दैन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये टैक्सेबल हो जाएगी ट्रेनिंग मेकिंग लिटरेरी एक्टिविटीज थिएटर स्पोर्ट्स ये सब कुछ एग्जेम्ट स्पोर्ट्स ठीक है आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स है ना ये तो यह, यहाँ इधर है चैरिटेबल एंटिटी आर्ट्स या कल्चर चैरिटेबल एंटिटी स्पोर्ट्स करेगी और बाकी लोग क्या करेंगे आर्ट्स और कल्चर करेंगे ठीक है तो आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स में सब कुछ इंक्लूडेड है डांस म्यूजिक पेंटिंग स्कल्पचर लिटरेरी एक्टिविटीज थिएटर स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ एक्जेम है ठीक है उसके बाद आता है आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस सर्विस रिसीव फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सल टेरिटी बाय एन एंटीटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी ऑफ इनकम चार्टिटीजन शेल नॉट बी नॉट अपलाई टू ओ आई डी ए आर सर्विस सर्विस अगर कोई नॉन टैक्सिबल टेरिटरी में है मतलब इंडिया के बाहर है ठीक है और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इस सर्विस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा जीएसटी लग जाता hey, right? है कर रहे because, uh, uh, for, uh, तो फिर आपको उस पर जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं है ये ओ आई डी एर और इम्पोर्ट सी फ्रेट फाइनल में पढ़ो सर्विस बाई सुनना ये इंपॉर्टेंट है अगर कोई आप कोई चैरिटेबल एंटिटी है वो ओल्ड एज होम वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और महीने का किराया पच्चीस हजार रुपए तक है पच्चीस हजार से ज्यादा नहीं पच्चीस हजार या उससे कम लेकिन इस 25 में सब कुछ इंक्लूडेड है boarding, lodging, boarding, lodging, है है बोर्डिंग बोर्डिंग लॉजिंग लॉजिंग मेंटेनेंस मेंटेनेंस ठीक तो ये वाली सर्विस भी आपकी एक्सेंट हो जाती है तो अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी ओल्ड एज होम वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पच्चीस हजार रुपये महीना किराया ले रही है पच्चीस हजार में बोर्डिंग लॉजिंग मेंटेनेंस सब कुछ इंक्लूडेड है तो फिर इस पर टैक्स नहीं लगेगा अब आओ हम लोग सब चीजें पढ़ चुके हैं ये चार पार्ट्स थे ये चार पार्ट्स थे चैरिटेबल एक्टिविटीज के चार पार्ट थे चैरिटेबल एंटिटी रिक्रिएशनल कोचिंग इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ओल्ड एज होम ठीक है अब इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और जो अब हम लोग करने जा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना सब कुछ ऑलरेडी याद हो चुका है बहुत आराम से वाला क्वेश्चन आप अपने आप से करते रहोगे ठीक है तो देखो क्या लिया हुआ है एम टीसीटी एन एन एटीटी रेजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व एबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी फर्निश्ड यू द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज अंडरटेकन इट यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दम्प्यूट जीएसटी लाइबिलिटी फ्राम द इनफॉर्मेशन गिवन बिलो तो हम लोग पहले वही देखेंगे कि कौन सा टैक्सेबल है कौन सा एग्जाम है जो जो टैक्सेबल होगा उस पर अठारह परसेंट के रेट से जीएसट लगा देंगे या फिर अगर जीएसटी का रेट दिया हुआ तो ये हाँ लिया हुआ जीएसटी रेट हेज बी चार्ज सेपरेटली वेर एवर एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इज एटीन परसेंट तो ये भी बात नहीं है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाली फिगर्स है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाली फिगर्स है ठीक है अब सुनो आ जाओ एक एक करके बात करते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स आप अपने आप से कर पाओगे और हर करेक्ट आंसर के लिए आप अपने तो एक, छे, छे तो आप को एक मार्क दोगे ठीक है तो पॉइंट्स तो आउट ऑफ सिक्स दीजिएगा ठीक तो देखो फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाई द ट्रस्ट छह लाख रुपए फीस चार्ज योगा कैंप कंडक्टेड बाय द ट्रस्ट छह लाख रुपए क्या ये टैक्सेबल होगा नहीं योगा कैंप के लिए किया हुआ है तो ये आपका एग्जामिट हो जाएगा

ज होमेंट फॉर रेजिडेंट्स और मोर कंसिडरेशन पर मंथ पर इक्लिंग ऑफ बोर्ड लॉजिंग एंड मेंटे हमने तो पच्चीस हजार बोला था पांच हजार में हो रहा है यह दस लाख पूरा आपका एग्जेम हो जाएगा इस दस लाख रुपए पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा तो जीएसटी सिर्फ किस पर लगेगा जीएसटी लगेगा पैंतीस लाख पर इस पर अट्ठारह परसेंट के रेट से जीएसटी पैंतीस लाख पर अरे क्या खो दिया मैंने कैलकुलेटर देवता हाँ जी ये कैलकुलेटर देवता तो क्या कह रहे हैं कैलकुलेटर देवता पैंतीस लाख रुपए पर अट्ठारह परसेंट के रेट से सिक्स लाख थर्टी थाउजेंड सिक्स लाख थर्टी थाउजेंड और जो इंग्लैंड से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया था चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए ये दस लाख रुपए इस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा

तो ये भी आपका ने हो जाएगा तो छह लाख तीस हजार आंसर आ जाएगा अब आप मेरे को बताओ आउट ऑफ सिक्स का आपका आंसर सही आ पाया था आई एम श्योर चार से ज्यादा का तो सही आ ही गया होगा ठीक है और अगर चार से ज्यादा का सही आ गया इट्स वेरी गुड और ज्यादा परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है ठीक है चैरिटेबल एक्टिविटीज हो गया अब आ जाओ बात करते हैं रिलीजियस सर्विसेज पर अच्छा एक बार ये नोट्स वगैरह भी देख लेना आंसर uh, के बाद जो भी नोट्स लिखे होते हैं ये सारे के सारे आपको एग्जाम में लिखने होते हैं तभी मैंने यहाँ पर दिए हुए तो ये जो भी नोट्स जो भी आप जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो एग्जाम हॉल में आपको एग्जामिनर को समझाना पड़ता है कि देखो इस तरह से सॉल्व किया है ये वाली चीज एग्जाम है ये वाली है वगेरा वगेरा। तो ये वाली चीज टैक्सेबल है वगैरह वगैरह तो प्लीज आप लोग देख लेना अपने हिसाब से लिख लेना इसको तो अपने हिसाब से मतलब अपने कन्वीनियंस से देख लेना पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा रिलीजियस सर्विसेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ दो चीजें होती हैं एक होती है services, एक कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस से दूसरा रेंटिंग ऑफ प्रीसिंगस प्लेस में जनरल पब्लिक ओल्ड या मैनेज बाई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट हैविंग इनकम टैक्स एक्जेम्शन मतलब क्या हो गया मतलब यह हो गया

इंस्टीट्यूट ने रेंटिंग करनी शुरू की कमरों की और रूम के चार्जेस एक हजार पर डे या उससे ज्यादा है। तो याद होंगे यूलो अमेज बस अभी सुनते रहो और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जा रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चन करवाते रहो सब ऑटोमेटिकली याद होता रहेगा आपको ठीक तो अगर आप रूम्स को रेंट कर रहे हो और एक हजार रुपए पर डे से ज्यादा का किराया ले रहे हो एक हज़ार पर डे या उससे ज्यादा का किराया ले रहे हो तो टैक्सेबल है अगर आप प्रेमिस रेंट आउट कर रहे हो कम्युनिटी हॉल रेंट आउट कर रहे हो कल्याण मंडपम या ओपन एरिया रेंट आउट कर रहे हो और आपने दस हजार से ज्यादा के चार्जेस लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है दस हजार से ज्यादा के अगर आपने चार्जेस लिए पर डे तो टैक्सेबल हो जाएगा और अगर आप शॉप या अदर अदर्सिस फॉर बिजनेस या कॉमर्स के लिए कर रहे हो और उसमें आपने दस पर मंथ से ज्यादा के चार्जेस लिए तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा तो जब आप मंदिरों में जाते हो तो मंदिरों के जो होते हैं, पर प्रसाद की दुकानें होती हैं। तो अगर प्रसाद की दुकानों से दस हजार महीने से ज्यादा रेंट लिया जा रहा है तो फिर वो टैक्सेबल होगा अगर दस हजार रुपए से कम टैक्सेबल अगर दस हजार रुपए या उससे कम रेंट लिया जा रहा है महीने का तो वो टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है तो तीन चीजों की रेंटिंग के बारे में हम लोगों ने बात की सबसे पहले हम लोगों ने रूम्स की रेंटिंग के बारे में बात की हजार रुपए से ज्यादा टैक्सेबल हजार रुपए पर डे से ज्यादा तो टैक्सेबल फिर हमने कम्युनिटी हॉल्स का कल्याण मंडपम ओपन एरिया वगैरह के बारे में बात की अगर उसमें टेन थाउजेंड से ज्यादा का रेंट लिया पर डे तो टैक्सेबल अदरवाइज एक्सेप्ट फिर हमने रेंटिंग ऑफ प्रेमिस रेंटिंग ऑफ जो शॉप्स वगैरह की रेंट है उसके बारे में हम लोगों ने बात की उसको रेंट आउट करने के बारे में बात की तो वहां पर टेन पर मंथ है उसके बाद रिलीजियस में आ जाता है तो जो हिंदुओं की होती है और मुस्लिम्स में हज होता है राइट तो अगर आप वाली सर्विस हो, या आप हज की सर्विस हो, तो फिर उसको भी उसको भी रिलीजियस एक्टिविटी माना गया है और उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है ठीक है तो रिलीजियस पिलग्रिमेज सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट आर ग तो गवर्नमेंट ने ही स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को बोला है कि आप ये तीर्थ तीर्थ सर्विसेज सर्विसेज वाली 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 आप आप ये यात्रा या हज प्रोवाइड करवाएंगे ठीक है और अगर वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से आपने तीर्थ यात्रा वाली सर्विसेज तो फिर उन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है कोई अगर प्राइवेट प्लेयर करवा रहे है, तो उस पर जीएसटी लगेगा लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि अगर आप करवाते हो तो जीएसटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है तो हिंदुओं के लिए क्या है हिंदुओं के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड ठीक है मुस्लिम्स के लिए क्या है कमिटी ऑफ स्टेट कमिटी एज डिफाइंड इन सेक्शन टू ऑफ कुमाऊ मंडल विकास निगम लिमिटेड और हज कमिटी एक्ट के अंदर हज कमिटी एक्ट के अंदर एक जो कमिटी ऑफ द स्टेट स्टेट कमिटी है वो है वो तो ये दोनों अगर पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा या हज अगर ये दोनों ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, तो फिर जीएससी पर नहीं लगता है ठीक? आइए क्वेश्चन करते हैं। आपको अपने आपको मार्क्स देना है हर करेट आंसर का आप एक मार्क्स दोगे कितना है

ठीक उसके बाद रेंटिंग ऑफ कल्याण मनपम वे चार्जेज फाइव थाउजेंड रुपीज पर डे दस हजार से कम है एग्जेम फिर रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस चार्जेस पंद्रह हजार रुपए पर मंथ दस से है, हजार दस से ऊपर साढ़े सात लाख टैक्सेबल रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस वे चार्जेस आर पांच हजार रुपए पर मंथ दस हजार से कम है एक्सम्ड इस तरह से आउट ऑफ सिक्स आपको कितने मार्क्स मिले ठीक बहुत अच्छे से आराम से आपको फोर से ऊपर मिल गए अगर फोर से ऊपर मिल गए वेरी गुड अगर फोर से कम मिले तो आप एक बार वो नोट करो कि कौन कौन से एक्टिविटीज को आपको समझने में दिक्कत हुई उनको इंपॉर्टेंट मार्क करो उनका रिवाइज करते रहो बस बात खत्म सिंपल है ज्यादा घुसने का नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको बार बार सॉल्व करते रहने का है और उनको सॉल्व करने से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी ठीक तो आप देखो नौ लाख प्लस दस लाख प्लस साढ़े सात

ठीक है अगर आप राइस की लोडिंग करते हो अनलोडिंग करते हो पैकिंग करते हो स्टोरेज करते हो वेयर हाउस में रखवाते हो तो राइस एक्ट है वेयर हाउसिंग हाँज, ऑफ माइनर फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोड्यूस ये भी आपका होता है माइनर में क्या होता है जब आप कोई भी सब्जी उगाते वगैरह हो या जब भी आप कोई भी पौधा उगाते हो आप, आप लोग अगर फार्मिंग करते हो आपने से कोई भी फार्मिंग करता होगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो कई बार जो चीज आप बोते हो ना उसके आसपास कुछ कुछ और चीजें उगाती हैं उसके आसपास कुछ कुछ और चीजें उगाती हैं तो उन्हीं को माइनस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोला जाता है तो अगर आप उसकी स्टोरिंग प्रोवाइड कर रहे हो वेयरहाउसिंग हाउसिंग में तो वो भी एक्सैम्ट है सर्विसेज बाई वे ऑफ स्टोरेज या वेयरहाउसिंग हाउसिंग ऑफ सीरियल पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ठीक है पहले बाकी था छह महीने पहले तक बाकी सारी चीजों पर भी हट मतलब हटाया क्योंकि आप एक बार इसको ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आए क्योंकि अब में जब आएगा ना तो इसी के बेसिस पर फोकस करके कर आएगा कि शुगर केन की स्टोरेज है तो पहले एग्जेम होती थी अब टैक्सेबल है क्योंकि अब एग्जामेशन में से कट चुका है ठीक है एग्जामिशन ये रहा ये देखिए ये देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज या वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ठीक है बाकी सब कुछ कट चुका है 18 जुलाई के बाद से बाकी सब कुछ कट चुका है राइट right? तो जो भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा है, वो है अपडेटेड है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है सीरियल्स पल्स एंड वेजिटेबल्स है, है, है बाकी सब टैक्सेबल है याद करने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ इतना याद कर रहा हूँ सीरियल वेजिटेबल्स फ्रूटिटेबल है बाकी कोई भी चीज स्पाइसेस कोपरा शुगर केन ये सारी सारी चीजें टैक्सेबल है

एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस वर्क इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट फ्यूल रॉ मटरियल प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल्ट हो जाता है ठीक है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन करते हो अगर आप जॉब वर्क वगैरह करते हो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रियरिंग ऑफ एनिमल्स पर आपका एग्जाम हो जाता है अभी टेंशन लो ही मत बिल्कुल की यह सब याद कैसे रहेगा क्वेश्चन करेंगे याद रहा बड़ी अच्छी बात है सेवेंटी परसेंट से ऊपर तो गारंटी है याद रहेगा अगर जो जो पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे उनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे उनको याद कर लेंगे बस इतनी सी बात है इतना सही है ठीक है तो कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोसेस सच एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स तो ये भी आपका एग्जाम हो जाता है सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड फाइबर वगैरह वगैरह ये आपका एग्जाम हो जाता है एनिमल्स में हॉर्सेज नहीं देखते हम लोग क्योंकि हॉर्सेज कमर्शियल वाले में चले जाते हैं हॉर्सेस कमर्शियल वाले में क्यों चले जाते हैं क्योंकि हॉर्सेस का काम यूजुअली वो रेस वगैरह के लिए होता है ना वो बेटिंग एमलिंग वगैरह के लिए तो हॉर्सेस को हमेशा इग्नोर किया जाता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टिवेशन हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग प्लांट प्रोडक्शन और टेस्टिंग एक्जेप्ट मतलब फील आ रही है अंदर घुसने की जरूरत नहीं कि हार्वेस्टिंग क्या होती है थ्रेशिंग क्या होती है प्लांट प्रोडक्शन क्या होता है इसमें इस वाली वा, इसमें मतलब टेस्टिंग वगैरह में फर्क क्या है इन सब में कोई जरूरत नहीं है ये सब में पढ़ने की ठीक है एग्जेप्ट

ठीक है तो पहले उसकी सफाई उफाई की जाती है जिससे वो प्राइमरी मार्केट में प्राइमरी मार्केट में मतलब वो सब्जी वालों को दी जा सकती है जहां से कस्टमर्स खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया कि मैं आप जाकर सब्जी मंडी से गाजर खरीद लाए और गाजर का आपने हलवा बनाकर हलवा बेचना शुरू कर दिया ठीक है तो आप सेकेंडरी मार्केट हो गए वेजिटेबल जो सब्जी मंडी है वो प्राइमरी मार्केट हो गया तो अगर कोई आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कि आपने जो भी क्रॉप्स ग्रो हुई जो भी आपकी सब्जी वगैरह ग्रो uh, uh, हुई उसके आपने ऐसे ऑपरेशन किए बेसिक ऑपरेशन किए जिससे प्राइमरी मार्केट में बेचने योग्य वो हो गया है राइट तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम दैट इज ऑल्सो एग्जाम ठीक उसके बाद

लोडिंग या अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होती हैं बीच बीच में किसानों का एक क्लासेस uh, वगैरह रखी जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि दुनिया भर में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गए हैं जिससे आप अपनी खेती को इम्प्रूव कर सकते हो तो दैट तो इज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज तो अगर सपोज मैं किसानों के लिए वो वाली क्लासेज ले रहा हूँ तो फिर मेरे को जीएसटी नहीं लगाना पड़ेगा ये जीएसटी से एक्जेंट है सर्विसेज बाय एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कम एजेंट फॉर सेल या परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये भी आपका एग्जाम हो जाता है ठीक है इसको हम लोगों ने तब भी पढ़ाते जब हम वो विदाउट uh, कंसिडरेशन वाले ट्रांजेक्शन को सप्लाई नहीं पढ़ रहे थे सप्लाई में शेड्यूल वन uh, तो फिर आपकी सप्लाई मानी जाएगी और उसमें, 3 में, principal agent, agent, principal था। और उसमें कहा था कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी के कोई एजेंट है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता और यहाँ पर भी उसको एग्जेम्ट किया हुआ है यहां पर भी उसको एग्जेम्ट किया हुआ है तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी क्या होती है ये कैसी कमेटी है जो ये इंश्योर करती है कि किसानों का माल जाए बिके लोगों तक पहुंचे राइट right? तो उसके लिए लोगों ने एजेंट्स लगा रखे हैं एजेंट्स क्या करते हैं किसानों से सामान ले जाते हैं और उसके बाद फिर वो बेचते हैं तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है सर्विसेज मेंशन फ्रॉम पॉइंट टू फॉर रबर ग्रीन टी और कॉफी ये भी आपके हो जाएंगे तो अभी तक हम लोगों ने पॉइंट नंबर से फिफ्टीन तक जितनी भी चीजें पढ़ी अगर ये रबर ग्रीन टी और कॉफी के लिए तो ये भी आपकी एग्जाम हो जाएगा ब्रीडिंग ऑफ फिश किसी कल्चर यह आपका एग्जाम हो जाएगा ठीक है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स ये भी आपका एग्जाम है क्या क्या होता है कोई मतलब नहीं है इसको जानने की कल्टिवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स फ्लोरिकल्चर हॉर्टीकल्चर फॉरस्ट्री ये भी आपका एग्जाम है क्लीनिंग ऑफ वीट कैरीड आउटसाइड फार्म ये भी एग्जाम है गेहूं की सफाई फार्म के बाहर सर्विसेज बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड्स बाय प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज लाइक शेड्स वाटर लाइट इलेक्ट्रिसिटी ग्रेडिंग फैसिलिटीज ये भी आपका एक्जाम हो जाता है ठीक है क्योंकि आप समझो ये चैप्टर क्यों फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा लोगों के लिए ये चैप्टर उन्हीं लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा जो इतनी सारी चीजों को देख के घुसेंगे अरे यार ये क्या होता है अब ये क्या होता है और ये याद कैसे रहेगा तो याद करने के चक्कर में कई सारे लोग इसके निमोनिक्स बनाते हैं कई सारे लोग इसके चार्ट बनाते हैं कि अगर ऐसे हुआ फिर वो डायग्राम्स निकल के आते हैं ऐसा वैसा बहुत बहुत पंगे करते हैं लोग इस वाले चैप्टर में ठीक है तो आपको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है ये टेबल मैंने बना कर दी है आपको सिर्फ इस टेबल पे ये और टैक्सेबल वाले कॉलम पर हाथ रखना है और आप पढ़ते जब जाओगे ना रिवाइज करते समय आप खुद यूल बी अमेज के कैसे आपको चीजें याद है ठीक है सेवेंटी से ज्यादा चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगी आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कुछ थर्टी परसेंट चीजें उनको आप इंपॉर्टेंट मार करके याद कर सकते हैं ठीक है बट दीज आर योर गो टू नोट्स दीज शुड बी योर गो टू नोट्स फॉर द चैप्टर ऑफ सर्विसेज बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड्स बाय टेकिंग मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब इस लेवल के नीचे आप सेल नहीं करोगे उस लेवल के ऊपर ही आपको सेल करनी है ठीक है तो ये भी है

लोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, उसिंग ऑफ ब्लैक टी ग्रीन टी कॉफी टैक्सेबल ठीक प्रोसेसिंग ऑफ शुगर चावल निकालना टैक्सेबल प्रोसेस कैरीड ऑन फॉर मेकिंग दीकल्चर सेलेबल इन द रिटेल मार्केट तो रिटेल मार्केट प्राइमरी मार्केट के लिए एक्ट रिटेल मार्केट जैसे ग्राइंडिंग सर्डिलाइजिंग एक्सट्रैक्शन पैकेजिंग रिटेल अंडर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये सब टैक्सेबल हो जाता है Services for converting potato into potato chips, taxable. Services for komping, converting tomato into tomato ketchup, taxable. Services by agricultural produce committee or boards not directly related to agriculture such as renting of shops and other property. ये भी आपका taxable हो जाता है। तो agricultural produce marketing committee समझ के यही मत कर देना हमेशा के हमेशा exempt है। ठीक है वो देखना पड़ेगा क्या ये agricultural services provide कर भी रही है या नहीं। अगर कर रही है तो exempt है, otherwise taxable। इन रिलेशन और पल्सेस टैक्सेबल हो जाता है ये अब आ जाओ ठीक है अब हम क्वेश्चन जब करेंगे इस वाले क्वेश्चन में अपने आपको मार्क्स देना कितने पॉइंट्स है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ठीक है आउट ऑफ फोर्टीन आप लोग अपने आप को मार्क्स देखना देखना कि क्या वो सेवेंटी परसेंट से ऊपर आ रहा है अगर सेवेंटी परसेंट से ऊपर आ रहा है यो गुड टू गो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर सेवेंटी परसेंट से नीचे भी आ रहा है तब भी बिल्कुल परेशान मत हो बस उन पॉइंट्स को मार्क कर लो जिन पॉइंट्स में आपको गलती हुई थी उन पॉइंट्स को रिवाइज करते रहना इट्स दैट सिंपल आओ देखो रिसीट्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ फार्म लेबर रिसीट्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ फार्म लेबर यह टैक्सेबल है या ये है

कमीशन कमीशन ऑन सेल सेल ऑफ ऑफ व्हीट व्हीट के बाद जो आता है आपका एग्जेप हो जाएगा गेहूं मिला कमीशन किसको मिलेगा एजेंट्स को मिलेगा ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के एजेंट्स को मिलेगा क्योंकि उन्होंने किसानों का घी बिकवाया वो गेहूं बिकवाया अगर उन्होंने किसानों का गेहूं बिकवाया तो उनको वो कमीशन दिया जाएगा कमीशन दिया जाएगा तो वो एग्जेम्ट हो जाएगा

ये आपका क्या हो जाएगा नहीं ये भी आपका भाँ भाँ जो भाँ क्या बोलते हैं ये है है. ना? तो आपका हो हो जाएगा. कौटेन फाद्रिक्स, कौटेन फाद्रिक्स का मतलब क्या हो गया? सिर्फ सिर्फ रुई थोड़ी है। उसके कपड़े भी है ना तो कॉटन के फैब्रिक्स है तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा दो लाख रुपए ये आपका हो जाएगा ठीक है उसके बाद रिटेल पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ एंड वेजिटेबल्स ऑब्वियसली टैक्सेबल रिटेल पैकेजिंग है Retail packaging, obviously आपका taxable हो जाता है, है? है? ठीक ठीक लेकिन इसमें एक confusion आएगा आप लोगों को, थीके? सुनते ही क्या लगा ऑब्वियसली टैक्सेबल बट ये टैक्सेबल नहीं है बट ये टैक्सेबल नहीं है आइए दिखाते हैं आपको दुद 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 दु.

अब आप लोग अपना स्कोर देख लो अपना स्कोर देखो कि इसमें से आउट देखना होगा 14, 14 का 70 कितना मतलब ज्यादा सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अगर नाइन से भी कम है सही तो फिर देखो कि कहां कहां दिक्कत हो रही है उसको मार्क करो उसको याद करो तो क्या हुआ एटी फाइव थाउजेंड प्लस वन लाख एटी फाइव थाउजेंड प्लस टू लाख प्लस टू ट्वेंटी प्लस टू ये हो जाएगा नाइन लाख फोर्टी थाउजेंड ठीक है ये हो गया नाइन लाख फोर्टी थाउजेंड आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई बोलो बोलो निष्ठे 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 बेरो अब आप एक काम करो ये क्वेश्चन नंबर फोर आप अपने आप से देख लीजिएगा ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पर क्वेश्चन का थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बनेगा ठीक है एग्जाम वाला क्वेश्चन करते हैं लेट्स एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं थो, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा तो ग्रीन एग्रो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स एक्टिविटीज फेब्री ट्वेंटी टू

प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इंटू जागरी तो शुगर केन इंटू जागरी मतलब गन्ने से आपको गुड़ निकालना है तो ये भी आपका एग्रीकल्चरल वाली एक्टिविटी तो नहीं है टैक्सेबल हो जाएगी उसके बाद मिलिंग मिलिंग ऑफ ऑफ पैडी पैडी राइस राइस धान से चावल निकालना टैक्सेबल साढ़े सात लाख सर्विसेज बाय वे ऑफ इन वेयर हाउस लोकेटेड इन एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक लाख अस्सी हजार टैक्सेबल ठीक है अब आप बताओ ये आउट ऑफ फाइव कितना आपका आया तो चार लाख प्लस आठ लाख प्लस साढ़े सात लाख प्लस एक लाख कितना आया इक्कीस लाख तीस हजार रुपए ठीक है इक्कीस लाख तीस हजार रुपए ये आपका आ गया है तो आई होप आप में से एक दो तीन चार पांच पांच थे ना तो पांच में से आपके कितने 70 के तो 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 होता है है तीन 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 या या से से ज्यादा तो तीन तीन से ज्यादा करेक्ट करेक्ट ठीक एजुकेशनल सर्विस पर एजुकेशनल सर्विस आज इसको पढ़ते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ

affiliated to the national council for vocational training or state council for vocational training, offering courses in designated trades notified under the Apprentices Act, 1961. अब इसका मैं आपको सिंपल भाषा में मतलब बताता हूँ तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ठीक है उन लोगों को अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जा सकती हैं, जैसे कारपेंट्री की प्लम्बिंग की इलेक्ट्रिशियन की तो इन लोगों को इस टाइप की ट्रेनिंग दे दी जिससे ये लोग अपना काम कर पाए

ठीक है तो और आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं वही इंप्लॉएबिलिटी के लिए तो मॉड्यूलर इंप्लॉयबल स्किल कोर्स आप इंप्लॉएबल नहीं हो अभी आपको कोई नौकरी पर नहीं रखेगा तो आओ आपको कुछ ऐसी चीजें सिखा दें जिससे आप नौकरी पर रखने लायक बन जाओ मॉड्यूलर इंप्लॉयबल स्किल्स इज द मिनिमम स्किल सेट विच इज सफिशियंट फॉर गेनिंग एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन दर्ल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क राइट स्कीम प्रोवाइड सर्टिफिकेशन ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग फ्राम एनसीबी टी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग दैट इज नेशनली एंड इंटरनेशनली रेकग्नाइज इन वर्ल्ड इन द गवर्मेंट वगैरह 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 ठीक है ये वाली सारी चीजें आ जाती है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये मतलब हो जाता है इसको अब आप लोग आगे पढ़ सकते हो अब आओ हम अपने काम पर आते हैं कौन कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल है कौन कौन सी सर्विसेज सर्विस है हम कैसे उनको याद रखेंगे हम कैसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे वो वाली चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर आते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हैं ठीक तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ तो वो है ठीक बाय वे ऑफ ऑफ कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी तो वो भी एग्जाम हो जाता है तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कंडक्ट कर रहा है और उसके लिए फीस ले रहा है तो ये भी आपकी एग्जाम uh, सर्विस में आ जाता है ठीक तो ये तो हो गया सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब ये सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड करें तो तो क्या तब भी आएगा बहुत सारी चीजों पर आएगा आओ देखते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाई वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट बाय वे ऑफ मतलब अगर मैं ट्वेल्थ तक के स्कूल्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं कौन कौन सी जीएसटी नहीं, तो नहीं लगेगा ठीक है जो भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है स्कूल स्कूल uh, वालों को उन पर जीएसटी नहीं लगेगा क्यों क्योंकि ट्वेल्थ तक का स्कूल है आप स्कूल को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स फैकल्टी और स्टाफ को आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हो एक्जेक्ट <coughs>

दूसरा खाने वाला और तीसरा सिक्योरिटी या क्लीनिंग वगैरह वाला हाउस कीपिंग वाला ठीक है ये तीन सर्विसेज का आपको एग्जामेशन तभी मिलेगा अगर आप ये एक स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हो किसी और टाइप की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नहीं सिर्फ अगर स्कूल को प्रोवाइड करो तो आपको इसका एग्जामेशन मिल जाएगा बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए क्या है सर्विसेज सर्विसेज रिलेटेड टू तो एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एक्सामिनेशन बाई इंस्टीट्यूशन एक्समट है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स और पीरियोडिकल एग्जाम लेकिन अब देखना

ठीक है अगर आप ऑनलाइन जर्नल्स या को सप्लाई कर रहे हो तो तीन होते हैं ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर तीन चीजें आती हैं एक तो स्कूल्स ठीक है उसके बाद कॉलेजेस जो कि रेकग्नाइज डिग्री कोई कोई एक डिग्री प्रोवाइड करवा रहे हैं लॉ राइट तो सिंपल तरीके से हम लोग देखें अगर इन तीनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सिंपल तरीके से अगर हम लोग सोचें बारहवीं तक के स्कूल बारहवीं के बाद वाले कॉलेजेस और उसके बाद काम करने वाले लोग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह वगैरह ठीक है तो सबसे पहले स्कूल उसके बाद कॉलेजेस उसके बाद ये तो स्कूल के लिए तो हम लोगों ने बात की स्कूल के लिए हम ने क्या बात की? कि तीन है, है. बाकी एजुकेशन को कैसी अगर सर्विसेज आप प्रोवाइड करो तो एक्समट होगा अगर आप एडमिशन कराने वाली सर्विसेज uh, प्रोवाइड हो कि हम एंट्रेंस एग्जाम करवा लेंगे फीस चार्ज करेंगे तो वो एग्जाम होगा और अगर आप ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल सप्लाई करवा रहे हो तो वो भी एग्जाम हो जाएगा लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीडियोडिकल वाला सिर्फ कॉलेजेस के लिए एग्जाम स्कूल्स के लिए एग्जाम है और वो ये वोकेशन वाले इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक्सम नहीं है ठीक है तो ऑनलाइन वाला सिर्फ कॉलेजेस के लिए है विच आर प्रोवाइडिंग अ डिग्री रेकग्नाइज बाई एनी लॉ फॉर द दिन फोर्स तो दिस एग्जामेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू एन टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाई वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अपू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्वेट और

प्रोवाइडेड बाई इंटरनेशनल स्कूल अपर सेकेंडरी स्कूल है गुड़गांव में एक स्कूल है जी डी गोइन का वर्ल्ड स्कूल तो वो उसका जो बोर्ड है।, है वो आई जी सी एस ई है हम सीबीएसई आईसीएस और स्टेट बोर्ड के बारे में बात करते हैं वो सीधा आई जी सी एस ई बोर्ड के बारे में बात करते हैं इंटरनेशनल बोर्ड है वो ठीक है तो वो भी सर्विस आपकी एग्जाम हो जाती है सप्लाई ऑफ फूड टू आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी बोलते किंडर गार्डन तो वहां उसमें भी आपका एग्जामिशन हो जाता है

और दूसरा ऐसा कोर्स है, है तो ऐसे में क्या होगा तो मतलब तो कि सप्लाई, सप्लाई हो तो नहीं नहीं ये तो होगा ही होगा तो हाईएस्ट रेट से टैक्सेबल हो जाएगा और अगर नेचुरल बंडलिंग है तो फिर ये एग्जाम हो जाता है ठीक अब देखो कॉलेज हॉस्टल में इसमें अगर केटरिंग सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया तो एक्जेम लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन ने हॉस्टल की मेस में केटरिंग सर्विस प्रोवाइड किया तो वो टैक्सेबल अरे सर अभी तो बात की अरेटरिंग एग्जाम के लिए एक्समट है ठीक है वो स्कूल्स के लिए एक्ज है कॉलेज की हॉस्टल की मेस के अगर बारे में बात करें तो कॉलेज के हॉस्टल में जो आपको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आपका इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड कर रहा है तब तो एग्जेम्ट है लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो टैक्सेबल है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आओ देखते हैं जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स मतलब एक साल या उससे ज्यादा के कंफरिंग डिग्री या डिप्लोमा एज रिकमेंडेड बाई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एज पर पावर वेस्टेड इन देश बाई दिन इंक्लूडिंग वन ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आपके एग्जाम हो जाते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेस सारे के सारे टैक्सेबल हो जाते हैं ठीक एजुकेशन एज पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर करिकुलटेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ ये आपका एग्जाम हो जाता है ठीक है इंडियन लॉ वाला भी एग्जाम और फॉरेन लॉ वाला टैक्सेबल है

हो 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 गया, गया ये ये भी आपका तो तो अब एक एक बात बताओ, क्या कोई है है? है, है, जो तक तक की की कर कर रहा है? नहीं। तक की कोचिंग कर रहा नहीं, पर ये एक तरह से या कोचिंग, कोचिंग हो गया रही है। तो इसलिए कोचिंग है, इसलिए, इसलिए इस पर जीएसटी लगता है ठीक है कमर्शियल कोचिंग होने की वजह से इस पर अन जीएसटी लगता है प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन

ठीक है मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं मैंने एक बड़ी सी प्रॉपर्टी स्कूल को डाल दी ठीक है यार तुम इसमें स्कूल चला मेरे को किराया दे दो इस प्रॉपर्टी का बस मुझे और कोई मतलब नहीं है तुम कैसा पढ़ा रहे हो कौन सा बोर्ड पढ़ा रहे हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है मेरे को मेरा किराया चाहिए तो मैं स्कूल में एजुकेशनल सर्विस थोड़ी प्रोवाइड कर रहा हूं मैं तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ टैक्सीबल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू कमर्शियल कोचिंग सेंटर कमर्शियल कोचिंग सेंटर सुनकर तो इनको हार्ट अटैक आ जाता है कमर्शियल टैक्सेबल ऐसा हो जाता है आउटडोर केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंस्टीट्यूशंस रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज टैक्सेबल आउटडोर केटरिंग सर्विसेज सर्विसबल हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग सर्विसेज इन कॉलेजेस प्रोवाइडिंग रेकग्नाइज ग्रेजुएशन डिग्री टैक्सेबल हाउस कीपिंग क्लिनिंग स्कूल में है कॉलेजेस में टैक्सेबल है प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टैक्सेबल डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कॉन्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये भी टैक्सेबल है कि सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए ये भी टैक्सेबल है हायर सेकेंडरी स्कूल टैक्सेबल सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल यापिंग सर्विस इंस्टीट्यूटिंग टैक्सिबल ठीक लास्ट फी चार्ज फॉर इश्यूएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन माइग्रेशन सर्टिकेट फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये आपका एग्जाम हो जाता है और ये मे ट्वेंटी थ्री के लिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आ गया है नया है ठीक क्या है? चार्ज फॉर इशुएस ऑफ एलिजिबिलिटी एडमिशन और जैसे स्कूल में सर्टिफिकेट तो मिलेगा या तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके लिए अगर कोई फीस चार्ज की जा रही है तो वो भी आपका एग्जाम हो जाता है सिंपल ये भी आपका एग्जाम हो जाता है right? राइट मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाला बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हो कौन सा कराऊं बस ये देख लेते हैं अगर कोई एग्जाम वाला क्वेश्चन है तो वो करवा देते हैं हाँ तो ये है तो दिसंबर ट्वेंटी वन का एग्जाम वाला क्वेश्चन है आओ देखते हैं इसमें बड़ा मजा आएगा ठीक है लेट्स लुक एट इट तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी आप अपने आपको मार्क्स दीजिएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा दे रहा हूँ बाकी इसमें हम लोगों को टाइम अननेसेसरी लगाने का कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि वही वही चीजें इसमें कुछ समझाने का थोड़ी है ये तो सारी चीजें याद करने वाली चीज है और ये वाली चीजें याद कैसे होंगी इवेंचुअली अपने आप प्रैक्टिस से याद होंगी तो मेरे बोलते हुए तो आपको सिर्फ लगेगा कि हाँ याद हो रहा है हो रहा है याद हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्ट करवा रहा करवाओ बाई सॉल्विंग वन और टू क्वेश्चन लेकिन मैक्म क्वेश्चन करने ठीक है सोल्यूशन आप लोगों को मैं पर नोट्स में दिए सोल्यूशन मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है आपको करना वही है हाथ रखिए आपका फील से सॉल्व हो जाएगा बचा हुआ आप थोड़ा सा याद कर लोगे सिंपल है एकदम सिंपल चैप्टर है ज्यादा घुसा ही नहीं है चैप्टर में <coughs> तो देखो ए बी लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 22 सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड बैक टू कॉमर्स कॉलेज प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइडिंग डिग्री कोर्सेस इन बीबीए एमबीए बीकॉम एमकॉम ठीक है तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा आपका क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ सिर्फ स्कूल्स के लिए एग्जेम्प्ट है तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा ढाई लाख रुपए ठीक है ढाई लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो गया उसके बाद देखो ऑनलाइन मंथली मैगजीन कंटेनिंग क्वेश्चन डिग्री एंड एल एल एम तो ये क्या हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन मटीरियल जो ऑनलाइन जर्नल्स वगैरह या ऑनलाइन पीरियडिकल्स आप देते वो सिर्फ कॉलेजेस के लिए ही तो एग्जाम है स्कूल्स के लिए और वोकेशनल वालों के लिए टैक्सेबल है हाउस कीपिंग सर्विसेज टू टी कोचिंग इंस्टीट्यूट टैक्सेबल ठीक उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज टू एन हायर सेकेंडरी स्कूल तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज किसको दिए स्कूल को दिए तो फिर ये आपका एग्जेप हो जाता है फिर सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर टू स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्सेस रेकग्नाइज बाय लॉ इन द मेडिकल फील्ड तो ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि यह खाने पीने वाली सर्विसेज भी सिर्फ स्कूल्स के लिए एक्जेम थी ठीक है अब आप अपने आप को मार्क्स दीजिए अगर सेवेंटी से ऊपर आए सेवेंटी परसेंट से ऊपर आए वेरी गुड नहीं आए तो जो जो नहीं आए तो उनको याद कर लो ठीक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इस वाले में ढाई लाख प्लस पचास हजार प्लस पांच लाख अस्सी हजार कितना आठ लाख अस्सी हजार ठीक है अब इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है एजुकेशनल वाले क्वेश्चन नंबर सेवन है फिर क्वेश्चन नंबर एट है क्वेश्चन नंबर नाइन है क्वेश्चन नंबर टेन है ठीक है ये क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन टेन आप अपने आप से कर सकते हो सेवन फिर एट फिर ये नाइन फिर ये टेन ठीक है ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लो और अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ खास समझाने वमझाने का होता नहीं है ठीक है इसमें आपको बस चीजों को याद रखना है हम लोग कल से हेल्थ केयर सर्विसेज पे बात करेंगे ठीक है तो अभी एक घंटे नौ मिनट की ये वाली क्लास हुई है अभी ही बीस मिनट के अंदर अंदर आप इन चार क्वेश्चन को निपटा लो ठीक है अभी बीस मिनट के अंदर अंदर इन चार क्वेश्चन को निपटा लो नॉर्मली हमारी क्लास डेढ़ घंटे की चलती है अभी हम लोग कम कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी में बहुत सारा कॉन्टेंट होता है याद रखने के लिए बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट होते हैं तो यहाँ पर आपको रिवाइज करना और ज्यादा जरूरी है ठीक है तो आप इसको कर सकते हो एंड मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ क्या अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको कैसा लेना है तो आप उसके लिए अनडमी की वेबसाइट पर आएंगे ठीक आप अनकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे अन अडमी की वेबसाइट पर आने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे गोल आपका सी ए इंटरमीडिएट वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फिर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आओगे सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आने के बाद आ जाए मेरे भाई सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आने के बाद आपके सामने ये प्लस आइकॉनिक लाइट तीन ऑप्शन आएंगे आप यहाँ पर मेरा कोड डाल दीजिएगा निश्चैन तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है निश्चेन डालने पर आपको यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है राइट सो दिस कोड इज़ इन वैलिड आ, तो निश्च जीरो है ना निश्च जीरोन करना पड़ेगा ना निश्च टेन करेंगे तब आएगा निश्चे निश्च टेन करके अप्लाई किया तो फिर आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आ गया जो कि अट्ठाइस फेबर तक ट्वेंटी परसेंट है अगर इसके ऊपर एक्सटेंड हो जाए तो आई एम नॉट श्योर लेकिन अट्ठाइस फेबर तक तो ये ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट है ठीक है चलिए सर थैंक यू सो मच एवरीवन आई विल सी यू गाइस टुमारो तो इसको अच्छे से प्लीज रिवाइज कर लो प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लेना ट्रस्ट मी ऑन दिस ये वाला चैप्टर बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पाँच छह मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो जिस तरह से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बिल्कुल परेशान मत हो ये चीज़ तो टैक्सेबल होनी चाहिए ये चीज़ तो एग्जेम्ट होनी चाहिए उसमें आपका कोई सही नहीं है ना कभी था ना कभी है ना कभी रहेगा ठीक है वो सरकार को डिसाइड कर लेने दो आप अगर लॉजिक बना पाओ बना लो नहीं बना पाओ मत बनाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है लेकिन आंसर सारे सही हैं ये जो अगले चार क्वेश्चंस भी हैं उनके आंसर सारे सही हैं तो ये मत सोचना इसका आंसर शायद सर से गलत हो गया होगा तो मैं डाउट पूछ लेता हूं सारे आंसर सही हैं ठीक है थीके? आप वेरीफाई कर लेना जो टेबल दी हुई है उससे वेरीफाई कर लेना अच्छे से वेरीफाई करते रहो लेकिन सारे आंसर्स ठीक है थैंक यू सो मच अभिमान टेक केयर बाय बाय